फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेकमिक्स में। यह बात तो आप भी जानते हैं कि एंड्रॉयड फ़ोन में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को Google फ्री में देता है। मोबाइल कंपनियों से एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए Google पैसे नहीं लेता है। इसके बदले में मोबाइल कंपनियों को एंड्रॉयड फ़ोन में Google के Gmail, Google म्यूज़िक, Google फ़ोटोज़, मैप्स आदि ऐप को अनिवार्य रूप से इंस्टॉल देना होता है। अभी कुछ महीने पहले ही Google पर इसी के लिए 5.1 बिलियन यूरो यानी तकरीबन 344 अरब रुपए का जुर्माना भी लगा था। Google पर आरोप था कि उसने एंड्रॉयड फ़ोन में अपने ऐप को ज़बरदस्ती इंस्टॉल करवाए हैं और गलत तरीके से सर्च इंजन को पहले के मुकाबले मजबूत बनाया है। इसलिए अब Google ने अपनी शर्तों में कुछ बदलाव किया है, जिसके बाद वह मोबाइल कंपनियों से अपने ऐप के बदले पैसे लेगा, यानी अब Google के ये ऐप फ्री में नहीं मिलेंगे। अल्फाबेट Google ने मोबाइल कंपनियों से अपने ऐप के लिए प्रति मोबाइल $40 यानी तकरीबन 2900 रुपये वसूल करेगा। गूगल की यह नई शर्त इसी महीने 29 अक्टूबर से लागू हो जाएगी, यानी 29 अक्टूबर के बाद लॉन्च होने वाले सभी एंड्रॉयड स्मार्टफोन और टैबलेट में ऐप के बदले हैंडसेट निर्माता कंपनियों को पैसे देने होंगे। हो सकता है इससे स्मार्टफोन के प्राइस में भी इजाफा हो। हालांकि गूगल की यह नई शर्त फिलहाल यूरोपियन देशों में ही लागू होगी, पर ऐसी उम्मीद है कि शायद भारत में भी आगे ऐसा हो सकता है। यह फीस अलग अलग देशों के लिए अलग अलग भी हो सकती है। Google Play Store, Gmail, Google Maps जैसे ऐप के लिए पैसे लेने के बदले Google मोबाइल निर्माता कंपनियों को विज्ञापन से होने वाली कमाई का एक हिस्सा भी देगा। Google अपने Chrome ब्राउजर जैसे ऐप में विज्ञापन भी दिखाएगा। तो हो जाइए तैयार Google के एक और नए धमाके के लिए। लेटेस्ट अपडेट के लिए अभी सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें।